नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है जीरोधा में अपने होल्डिंग्स स्टॉक पे स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। मुझे बहुत क्वेरी आया था कि सर होल्डिंग स्टॉक पे स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं, जरा बताएं। तो ये वीडियो आज उसके लिए ही है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दें, अपलोड कर दें, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे अपना जीरोधा काइट ओपन कर लें। इसके बाद जो है अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो दिख रहा होगा आपको, इस पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखें जो भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो आपको पोजीशंस में दिखेगा। होल्डिंग्स में जो आपका लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है वो दिखेगा। तो यहाँ पे देखें जो मेरे लॉन्ग टर्म स्टॉक है, 4 स्टॉक है इसमें, गोल्ड बीज है, IOC है, ITC है और SBI है। तो यहाँ पे आपको सारे दिख रहे हैं। तो मान लो मैं SBI में जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ आपको कैसे लगता है। तो क्या करें, इस पे आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एड एंड एग्जिट का ऑप्शन आएगा। एग्जिट मतलब अगर आपने बाई किया हुआ है तो सेल करें, अगर आपने सेल किया हुआ है तो बाई करें। तो यहाँ पे मैंने SBI बाई किया हुआ है होल्डिंग में, तो मुझे सेल करना है, तो मैं एग्जिट पे क्लिक करता हूँ। एड मतलब अगर आपको और स्टॉक एड करना है तो आप एड कर सकते हैं, तो मैं एग्जिट पे क्लिक किया। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें CNC मतलब लॉन्ग टर्म स्टॉक। अगर आप होल्डिंग स्टॉक सेल कर रहे हैं तो CNC में ही सेल करें। MIS होता है इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे में सेल करते हैं तो ऑर्डर अलग अलग हो जाएगा और ये इंट्राडे ऑर्डर आपका 3:30 से पहले ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर आप खुद करते हैं तो ठीक है, नहीं अगर जीरोधा करता है स्क्वायर ऑफ तो आपको ₹50 प्लस GST पर स्क्रिप्ट देना होगा। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। CNC मैंने CNC में ऑर्डर लिखा, क्वांटिटी यहाँ पे आया हुआ है। क्वांटिटी आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मान लो 100 क्वांटिटी है आपके पास और आपको सेल करना है सिर्फ 50 क्वांटिटी, तो आप 50 क्वांटिटी भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर में देखिए मार्केट है, लिमिट है। लिमिट मतलब अगर आपको खुद का प्राइस लगाना है, मान लो अभी प्राइस चल रहा है 214, आपको सेल करने का मन है 220 पे, तो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं 220 पे आप। यहाँ पे मुझे जानना है स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट के बारे में, तो मैं स्टॉप लॉस पे क्लिक करता हूँ। देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने स्टॉप लॉस पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको दो चीज आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे प्राइस आ रहा है और यहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस आ रहा है। तो ये दोनों आपको कैसे पुट करना है ये मैं बता रहा हूँ आपको। अभी प्राइस क्या चल रहा है, 214, आपने पहले ही बाई कर लिया है स्टॉक। अगर प्राइस 214 से 220 जाता है तो आपको कोई लॉस है नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कम रेट पे बाय कर रखा है। अब ये जितना ऊपर जाए मुझे प्रॉफिट होगा। स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं रिस्क मिनिमाइज करने के लिए। रिस्क मिनिमाइज कब होगा आपका, यहाँ पे 214 चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि 210 के नीचे मुझे लॉस नहीं लेना तो आपको 210 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो यहाँ पे जो प्राइस है आपका वो कितना लगाएंगे आप, 210। तो यहाँ पे आपने प्राइस लगा दिया, अब आ रहा है आपको ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस दोस्तों वो प्राइस है जहां पे आपका फर्स्ट टाइम ऑर्डर ट्रिगर होगा और एक्सचेंज को जाएगा। तो ये बात का आप ध्यान रखें, आपने 210 पे ऑर्डर लगा दिया है। अब सिंपल सा दोस्तों, जब आप सेल करते हैं पहले 214.80 है, अगर नीचे आएगा तो कितना आएगा, 214 आएगा, उसके बाद 213 आएगा, उसके बाद 212 आएगा, उसके बाद आएगा 210। 210 आता है तो सबसे पहला प्राइस कौन सा ट्रिगर होगा, ये। लेकिन मुझे ट्रिगर ये प्राइस नहीं करवाना है, सबसे पहले ट्रिगर मुझे ये प्राइस करवाना है। तो मुझे ऑर्डर कितना का लगाना पड़ेगा, 210.102030 अपने मर्जी पे, मान लो मैं 210.20 लगाता हूं। तो यहां पे ट्रिगर प्राइस 210.20 लग गया। अब एक बार विजुलाइज करें, पहले 214 आएगा, फिर 213, 212, 211, 210, 210 के नीचे जो आएगा तो उस सबसे पहले कौन सा प्राइस टच करेगा, 210.20, उसके बाद प्राइस होगा 210। तो इस दोनों प्राइस के बीच में जो भी प्राइस पे बायर अवेलेबल होगा एक्सचेंज में, उस प्राइस पे आपका ये ऑर्डर सेल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, सर ठीक है मैं 210 पे यहाँ पे लगाया हूँ, अगर मैं 29 यहाँ पे मैं 209 लगा दूँ तो नहीं लेगा। दोस्तों ट्रिगर प्राइस मतलब होता है सबसे पहला प्राइस जिस प्राइस पे आपका ऑर्डर ट्रिगर हो और एक्सचेंज को चला जाए। एक्सचेंज को जाने के लिए सबसे पहले प्राइस का जो जरूरत होता है वो ट्रिगर प्राइस का होता है, उसके बाद आता है आपका सेलिंग प्राइस। तो इस दोनों के बीच में जो भी प्राइस अवेलेबल होगा, जिस प्राइस पे बायर अवेलेबल होंगे उस प्राइस पे आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा। तो मान लो 210.20 इसने टच किया, तो 210.20 और 210 के बीच में जो भी प्राइस पे आपका बायर अवेलेबल है उस प्राइस पे आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नीचे, तो यहाँ पे रेगुलर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिडिटी हमेशा डे ही रहेगा, क्योंकि आप ऑर्डर CNC में सेल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके होल्डिंग से स्टॉक निकल जाएगा। अब क्या करें, स्वाइप टू सेल पे ऐसे इसको स्क्रॉल कर दें। देखें आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, ऑर्डर आपको देखना कहाँ पे है, ऑर्डर्स में चले जाएं। ऑर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखें पेंडिंग ऑर्डर जो होगा उस पे चले जाएं। पेंडिंग ऑर्डर में देखें यहाँ पे आपका SBI 210.20 यहाँ पे आपका ट्रिगर है, समझ गए आप। इस पे आपको क्लिक करना है।
अगर आपको ऑर्डर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल पे क्लिक करके आप कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने कैंसिल पे क्लिक किया और यहाँ पे यस पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ऑर्डर देखिए मेरा कैंसिल हो गया। तो मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर बता दिया आपको, अब बता रहा हूँ स्टॉप लॉस मार्केट। फिर से आप चले जाएं पोर्टफोलियो, SBI एग्जिट, CNC रहेगा, मार्केट रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखें, स्टॉप लॉस मार्केट में ये जो प्राइस है आपका वो चला गया, वो प्राइस आपका दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है सिर्फ ट्रिगर प्राइस। दोस्तों ट्रिगर प्राइस में आपको क्या डालना है, 210। इसका मतलब क्या हुआ, 210 के नीचे जो भी प्राइस पे बायर अवेलेबल होगा उस प्राइस पे आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा। मान लो 209 पे अवेलेबल हो, 205 पे अवेलेबल हो, 200 पे अवेलेबल हो, 190 पे अवेलेबल हो, उसको मतलब नहीं है, 210 जैसे ही टच किया उसके नीचे जो भी प्राइस अवेलेबल होगा उस प्राइस पे आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा। सर ठीक, तो फिर तो ये गलत हो गया ना, स्टॉप लॉस वाले में तो आप 210 और 210.20 के बीच में ही मेरा ऑर्डर सेल होता, यहाँ पे तो किसी प्राइस पे भी सेल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप एक चीज सोचो, मान लो SBI चल रहा अभी 215 पे, अचानक कोई बुरा न्यूज आ गया, वो क्या हो गया, 215 से विद इन सेकेंड में ये चला गया 190 प्राइस, तो आपने जो स्टॉप लॉस में ऑर्डर लगाया हुआ था 210 और 210.20 के बीच में, वो प्राइस जंप कर गया। वो प्राइस जंप कर गया मतलब वो ऑर्डर आपका ऐसे ही पेंडिंग है, वो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मान लो 190 से चला गया 170, 160, 150 SBI, तो आपका कितना लॉस हुआ, आपका 210 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया था, 150 चला गया, तो 60 रुपीज पर शेयर तो आपको ऐसे ही लॉस हो रहा है अगर प्राइस जंप करता है तो स्टॉप लॉस वाले में। लेकिन स्टॉप लॉस मार्केट में वैसा दिक्कत नहीं होगा, जैसे ही 210 टच करेगा, ठीक है मान लो ये जंप कर गया 190 पे बायर अवेलेबल है, तो 190 पे आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा स्टॉप लॉस मार्केट में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, कोई दिक्कत है तो स्टॉप लॉस मार्केट तब लगाते हैं जब आपको लगे कि स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है और आपको ज्यादा लॉस हो सकता है, तो आप स्टॉप लॉस मार्केट लगा के छोड़ दें, नहीं तो आप स्टॉप लॉस लगाएं अगर कोई नॉर्मल स्टॉक हो, एशियन पेंट, HDFC बैंक जैसा, तो उसमें आप स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रिगर प्राइस पहले लगाएंगे, स्टॉप लॉस जो होगा उसके नीचे होगा और उसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दें, जब वो प्राइस आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोस्तों मैंने लगाया सिंपल स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट, 3:30 के बाद हर दिन ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपको अगले दिन जो है फिर से नया ऑर्डर ऐसे ही करना होगा, पोर्टफोलियो में जाके स्टॉक पे क्लिक करना होगा और ऐसे ही सिलेक्ट करके आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्वाइप टू सेल पे क्लिक कर दें, जैसे इसको आप स्क्रॉल करते हैं ऑर्डर आपका हो गया, क्लोज करें, फिर से चले जाएं ऑर्डर में, फिर से चले जाएं पेंडिंग में, तो यहाँ पे देखें आपका 210 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है, 00 है मतलब जो भी प्राइस अवेलेबल हो 210 के नीचे उस प्राइस पे आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर मतलब क्या हुआ, जो ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे देखे मैंने सुबह में कुछ ट्रेड किए हुए थे इंट्राडे में MIS में, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, और जो मैंने लास्ट ऑर्डर कैंसिल किया है वो भी क्लोज ऑर्डर है मतलब वो भी काउंट होगा, तो यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर भी दिख रहा है आपको। GTT ऑर्डर दोस्तों क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वीडियो में, स्टॉप लॉस के बारे में पूछा था आपने, मैंने स्टॉप लॉस के बारे में बता दिया, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट के बारे में, और मैंने डिटेल में बता दिया है क्या होता है, कैसे होता है और आपको कैसे क्या करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि अगली बार आप गलती से ऑर्डर प्लेस करेंगे और आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर जाए नहीं। तो दोस्तों आप अगली बार आराम से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं स्टॉप लॉस और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो होल्डिंग में अपने होल्डिंग्स में स्टॉप लॉस ऐसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट, उस दोनों के बीच में डिफरेंस भी मैंने बता दिया है और उसका बेनिफिट भी मैंने बता दिया है। तो दोस्तों बस यही था, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो कोशिश करें उसी लिंक से ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करें, और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो कृपया लाइक कर दें, अपलोड कर दें, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें नए नए वीडियोस के लिए। धन्यवाद दोस्तों।